हेलो एवरीवन, मैं अंजू तोमर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने कर ली है मीशो से बहुत सारी शॉपिंग। तो मैंने मीशो से कुछ 10 टॉप लिए हैं, बट एक इसमें से अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, मुझे डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये टोटल जो है 9 टॉप हैं। तो मैंने मीशो से 9 टॉप खरीद लिए हैं एंड देखते हैं ये मुझे किस तरह से रिसीव हुए हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है एंड इसका फिट वगैरह कैसा है। इन टॉप्स का जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो 170 से लेके 300 तक का है, मतलब 300 के अंडर सारे टॉप्स मेरे पास हैं। एंड अब जल्दी से इनको देखते हैं हमें किस तरह से रिसीव हुआ है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं हमारे पहले टॉप से। सो फर्स्ट टॉप हमारा कुछ इस तरह का, वाओ। ओके, सो पहला जो टॉप है वो कुछ इस तरह का है एंड पीछे से कुछ इस तरह का। सो क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया था एंड 214 रुपये में, 214 रुपीज़ मैंने इस टॉप के लिए दिए हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी किस तरह का ये टॉप था। जैसा ऑनलाइन दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है एंड जल्दी से मैं इसको पहन रही हूँ, फिर हमें पता चलेगा ये कैसा एग्जैक्टली लग रहा है। सो जल्दी से पहनती। सो ये टॉप कुछ इस तरह का है, पीछे से कुछ इस तरह का है। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड फिट आप देख सकते हो, फिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड मुझे ये टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसको मैं थम्स अप दूंगी। ओके, सो अब बढ़ते हम अपने दूसरे टॉप पे। सो ये रहा हमारा दूसरा टॉप, वाओ। ओके, सो ये टॉप है कुछ इस तरह का एंड पीछे से ये है कुछ इस तरह का। यहाँ पीछे इसके इलास्टिक लगा हुआ है ताकि टॉप ना अच्छे से फिट हो जाए एंड पूरा जो टॉप है वो कुछ इस तरह का। मटेरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड बाकी इसमें जिप भी दी गई है साइड में, ये देखो। पता नहीं ये जिप किस लिए दी गई है बट दी गई है, यहाँ पे देखो ये रही जिप। एंड इसको ओपन अगर आपको टाइट वाइट हो रहा है, वैसे तो पीछे इलास्टिक दिया हुआ है तो जिप का कोई मतलब नहीं था बट फिर भी इन्होंने दे रखा। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगी ना, वो इसमें भी आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये चीज़ मुझे इस टॉप की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में मैंने इसको लिया हुआ है एंड ये शायद मुझे 256 की पड़ी थी, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कपड़े की, इसको मैं जल्दी से पहनती हूँ एंड फिर फिट एंड क्वालिटी हम चेक करते हैं। सो ये टॉप है कुछ इस तरह का एंड फिटिंग वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड ओवरऑल ये कुछ इस तरह का है, वाओ। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड पीछे से ये कुछ इस तरह का है, आगे से कुछ इस तरह का। बाकी आप देख सकते हो किस तरह का लग रहा है एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो मेरे लिए तो थम्स अप। ओके, सो अब हम बढ़ते अपने तीसरे टॉप पे। वाओ, ओके, तीसरा जो टॉप है ना वो कुछ इस तरह का टॉप है, वाओ। कितना छोटू सा टॉप है, देखो फिट तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है। इसको भी मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया हुआ है एंड इसका जो प्राइस था 288 रुपीज़ एंड मटेरियल, वाओ। इसमें ना पूरा इलास्टिक लगा हुआ है तो फिटिंग तो मतलब बहुत ही अच्छी आने वाली है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्वालिटी मुझे सुपर्ब लग रही है, सो जल्दी से मैं इसको पहनती हूँ। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल गई होगी, पहनने के बाद एग्जैक्टली ये लग कैसा रहा है वो हम देखेंगे फिट वगैरह। सो ये टॉप है कुछ इस तरह का, आगे से ये कुछ इस तरह का है एंड पीछे से ये कुछ इस तरह का है। ये टॉप के बारे में क्या बोलूँ, मेरा फेवरेट टॉप हो गया है, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये टॉप। इसकी फिटिंग, इसकी क्वालिटी, सब कुछ अमेजिंग है एंड मेरा तो ये फेवरेट होने वाला है, फेवरेट टॉप होने वाला है एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मेरे लिए तो ये थम्स अप ही रहेगा। सो अब बढ़ते हम अपने चौथे टॉप पे। सो फोर्थ जो टॉप है ना मेरा, वाओ। ओके, सो ये है कुछ 38 साइज, बहुत ढीला है। सो ये है कुछ इस तरह का टॉप, वैसे तो अच्छा लग रहा है बट मुझे बहुत ज़्यादा ढीला है तो कोई फ़ायदा नहीं इस टॉप का।
बाकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया था शायद, पता नहीं, एंड इसका जो प्राइस था वो यहाँ देख लेना। क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका ना जॉर्जेट वाला कपड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड देखते हैं पहनने के बाद कैसा लगेगा, ढीला है, मैं इसको फिट करूँगी एंड पहनने के बाद ही पता चलेगा ये कैसा लग रहा है। सो जल्दी से मैं इसको पहनती हूँ। ओके, सो ये वाला जो टॉप है ना वो बहुत ज़्यादा ढीला है, इसमें मैं झोलन माता लग रही हूँ। एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, कलर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपको ये आपके साइज़ में मिल जाए तो आप इसे ले सकते हो, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसका जो मतलब लुक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आगे से कुछ इस तरह का है एंड बैक से कुछ इस तरह का है। सो लुक वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट प्रॉब्लम एक ही है कि मुझे बहुत ढीला है, फिट भी करूँ तो ये ऐसा लगेगा, अगर ये फिटेड होता तो देख लो, वाओ, फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त लगने वाला था। अकॉर्डिंग टू द प्राइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगले टॉप पे हम बढ़ते हैं जो कि हमारा फिफ्थ टॉप होगा। सो फिफ्थ टॉप पे हम बढ़ते हैं, वाओ, कलर मतलब कलरफुल टॉप्स मंगाए भी मैंने, वाओ, ये है कुछ अच्छा, ये है कुछ, सॉरी, ओके, सो ये है कुछ इस तरह का टॉप। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पता नहीं, पीछे से ये कुछ इस तरह का है, जब पहनूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ही छोटू सा टॉप है एंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसे वाले कपड़े की ना ऐसी ही क्वालिटी आती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसको पहनती हूँ मैं एंड इसका जो प्राइस था ना, आई थिंक इसको भी मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया हुआ है एंड प्राइस चेक कर लेती हूँ इसका प्राइस क्या था, बाकी तो आप यहाँ मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। वैसे इसका जो प्राइस था ना 180 रुपीज़ में मुझे ये टॉप मिला है एंड एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है इसका। सो यस, एंड जल्दी से मैं इसको पहनती हूँ, देखती हूँ कैसा लग रहा है। सो ये वाला जो टॉप है वो कुछ इस तरह का है, फिटिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी मैंने आपको बता दिया था पहले ही बहुत अच्छी है एंड आगे से ये कुछ इस तरह का है, बैक से ये कुछ इस तरह का है। वाओ, मुझे ये टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इसको तो मैं डेफिनेटली थम्स अप ही करूँगी। अब बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ टॉप पे। जो है रेड कलर का, रेड एंड वाइट कलर का टॉप है ये, देख लेते हैं किस तरह का है। ओह वाह, एक सेकेंड, ये ना मुझे पिक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, पिक्चर में कुछ और दिखाया हुआ है एंड यहाँ तो मुझे ये लॉन्ग भी लग रहा है एंड इसकी जो ये है ना ये भी चौड़ी लग रही है। मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये मुझे 209 रुपये में पड़ा था, एक्स्ट्रा स्मॉल इसका साइज़ है एंड देखती हूँ इसको पहन के कैसा लग रहा है। एग्जैक्ट तो ये नहीं आया है बट जैसा भी आया देखते हैं कैसा लगता है। क्वालिटी कपड़े की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सॉफ्ट सी क्वालिटी है एंड बाकी तो आप देख ही रहोगे, बाकी पहनने के बाद पता चलेगा ये कैसा लग रहा है। सो जल्दी से मैं इसको पहनती हूँ। देखो इस टॉप का मैं क्या बोलूँ, एग्जैक्ट सेम तो नहीं आया है पर जैसा ये आया है ना वैसे में भी ये बेकार नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिट मेरे को काफ़ी अच्छे से आ रहा है एंड ये ऊपर से कुछ इस तरह का है, बैक से ये कुछ इस तरह का है। सो बाकी मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा है एंड फिट भी मुझे अच्छे से आ रहा है, सो मैं इसे भी थम्स अप ही करूँगी एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। सो या नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने सेवन्थ टॉप पे। ओके, सो ये है कुछ इस तरह का टॉप, ये मैंने अर्बेनिक पे देखा था एंड मुझे यहाँ पे ये बहुत लंबा लग रहा है, मतलब ये देखो पीछे फोल्ड करके भी ये इतना आ रहा है तो ये लंबा तो बहुत है। इसका भी जो साइज़ है वो आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल है एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा था, बाकी यहाँ तो आप डिटेल्स देख ही लोगे स्क्रीन पे, ओके, 169 रुपीज़ में मुझे ये टॉप पड़ा है एंड एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में मैंने इसे मंगवा रखा है। बाकी इसको ओपन करके देखती हूँ, नो, देखो फिटिंग का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट जैसे शॉर्ट इसमें दिखा रहे हैं ना वैसा वाला शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है नो डाउट, बट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को तो। बाकी इसको मैं पहन के बताऊँगी कैसा लग रहा है एंड ये रहा कुछ इस तरह का, पीछे से बिल्कुल सिंपल है, इसमें टर्टल नेक है इस तरह से
एंड बाकी पहन के बताते हैं इसको कैसा लग रहा है, क्वालिटी ऐसी लग रही है, सो जल्दी से पहनती हूँ। ओके, सो ये टॉप जो है ना वो कुछ इस तरह का है। मतलब देखो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसा दिखाया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं। इसकी भी जो लेंथ थी ना वो यहाँ तक होनी चाहिए थी, बट ये लंबा है, देखो पूरा लंबा आ रहा है। सो क्वालिटी तो अच्छी है, बाकी फिट वगैरह भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आगे से ये कुछ इस तरह का है एंड बैक से ये कुछ इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा है। सो ओवरऑल क्वालिटी एंड फिट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट जैसा पिक्चर में दिखा रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं आया है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने ऊपर। सो मैं तो इसे थम्स अप ही करूँगी। ओके, सो अब बढ़ते हमारे 8th टॉप पे। सो 8th जो हमारा टॉप है, 8th 8वां जो टॉप है वो है ब्लैक कलर का टॉप। वाओ, एंड इसको भी मैंने एक्स्ट्रा, जितने भी टॉप है आई थिंक मैंने सारे एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाए हुए हैं। एंड इसका जो प्राइस था ना आई थिंक 167 और समथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाओ, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल है। एंड फिटिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है, मतलब जैसा मुझे पिक्चर में दिखा है ना एग्जैक्ट वैसा ही ये रिसीव हुआ है मेरे को। ये देखो, वाह, जल्दी से मैं इसको पहनती हूँ एंड देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ओके, सो इस टॉप की क्वालिटी कुछ इस तरह की, आगे से ये कुछ इस तरह का है एंड बैक से ये कुछ इस तरह का लग रहा है। फिट बिल्कुल अमेजिंग है एंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे ये टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड बाकी आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। मुझे तो ये टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको थम्स अप ही करूँगी। ओके, सो अब हमारा है लास्ट 9th टॉप जो कि है इस तरह का, स्मॉल साइज में है ये। वैसे मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया हुआ है एंड आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल में पता नहीं, नहीं साइज स्मॉल में मैंने मंगवाया हुआ है। एंड इसका जो प्राइस है वो 259 रुपीज़, 259 का ये है कुछ इस तरह का टॉप। इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह की है एंड इस तरह का ही मटेरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यार जितने भी टॉप मैंने अभी तक ओपन किए ना सबका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इतना ज़्यादा सस्ते प्राइस में मैंने ख़रीदे हुए हैं। मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड ढीला मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ढीला होगा, बट पहनने के बाद पता चलेगा ये कैसा लग रहा है। एंड इसका जो प्राइस था आई थिंक 259 एंड एक्स्ट्रा, नहीं स्मॉल साइज में मैंने इसे लिया हुआ है एंड जैसा मुझे ऑनलाइन दिखा रहे हैं ना यहाँ पे वैसा ही सेम मुझे रिसीव हुआ है, तो देखते हैं कैसा ये लग रहा है पहनने के बाद। ओके, सो ये है कुछ इस तरह का टॉप। मुझे थोड़ा सा लूज आ रहा है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड मुझे इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा लूज है। बाकी पीछे से ये कुछ इस तरह का है। सो मुझे ये टॉप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट मुझ पे ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा है। सो यस, एंड बाकी मैं इसे थम्स अप ही करूँगी। सो ये थे मेरे सारे के सारे 9 टॉप्स जो कि मैंने मीशो से ख़रीदे हैं। मुझे सारे टॉप्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ना इनकी क्वालिटी बिग थम्स अप थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी इनमें से आपको कोई भी टॉप चाहिए रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेकआउट कर लेना। एंड यस, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाना। और अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।